अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबरान और आज का सेटअप कुछ यूं है कि हमें आ गया कैंपिंग का जोश। अब अबरार भाई के वीलॉग्स देख के ना, मतलब सोचा है कि अब ये तो होगा, मतलब होगा। तो मसला ये है कि मुझे कैंपिंग का अलिफ बे भी नहीं पता, कुछ से नहीं पता, कभी नहीं की। अब वो तो करते हैं अकेले, उनका जिगरा लेवल नेक्स्ट लेवल है। मेरा मसला ये है कि भाई ऊपर पहुंच गया, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो दूर दूर तक ना आवाज़ें भी नहीं आई किसी को। तो फिर क्या किया, दोस्त को मैसेज किया कि भाई रेडी हो, आगे से मैसेज आया ये। हे जिब्रान भाई, नेकी और पूछ पूछ, आपने तो दिल की बात कह दी है। बताएं कब चल रहा है। मतलब आप लेवल चेक कर रहे हैं, यूं मैसेज किया बंदा आगे से रेडी, ऐसा नहीं चाहिए। वैसे दोस्त नहीं चाहिए जो हर साल नॉर्दर्न पाकिस्तान का प्लान बनाते हैं और कभी वो अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो भाई दोस्त रेडी है, अब सीन था कि मुझे चाहिए था कैंपिंग गियर। उससे पूछा भाई उसके पास कैंपिंग गियर पड़ा है, आगे से मैसेज आया। भाई कैंपिंग गियर की तो टेंशन ही नहीं रही, सारा का सारा पड़ा हुआ है, स्लीपिंग बैग, टेंट, सब कुछ। ऑल्दो आज तक कभी की नहीं है, बट सब कुछ है। मतलब लड़के ने आज तक कैंपिंग कभी नहीं की, लेकिन कैंपिंग का पूरा गियर पड़ा हुआ है। तो मुझे अपना कैंपिंग गियर लेना था, मुझे स्लीपिंग बैग लेना था और लेना था एयर मैट्रेस। ऑर्डर किया, हामिद भाई ने जगह ढूंढी जो इतनी नज़दीक जगह मेरे घर से नजर आती। तो भाई अभी हाइक शुरू हो गई हमारी, हामिद भाई से आप लोग नहीं मिले हुए। हामिद भाई तारुफ करें अपना। अस्सलाम वालेकुम, बस मेरा नाम हामिद है और जिब्रान भाई को मैं एक नया स्पॉट दिखा रहा हूँ फ्राईबर्ग। मतलब 5 साल से ऊपर हो गया यहाँ रहते हुए, आज तक जगह पे नहीं गया, पर अभी से पसीने निकाल दिए इसने। क्योंकि पहली बार कैंपिंग हो रही थी, पता नहीं था कितना कैरी करना चाहिए साथ, कितना नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी। तो मैंने अपना ये बैग ना इस तरह भर लिया कि जैसे ऐसे लग रहा है कि हफ्ते की कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ, एक दिन की कैंपिंग नहीं होगी। बैग भारी हो गया और फिर वही हुआ जो स्विट्ज़रलैंड वाली हाइक पर हुआ था। हम अभी ना आधा रास्ता हुआ है, हामिद भाई का शुक्रिया उसने मेरा बैग उठा दिया, वरना बहुत भारी बैग है। ठीक है, और मेरी तो पिछली हाइकिंग वाली ट्रिप ना अभी से बस हो गई है, और अभी सिर्फ कितनी देर की हाइक थी, 1.5 घंटे की हाइक थी सर, सर 1.5 घंटे की हाइक। तो हम पहुंच गए ऊपर, ठीक है। तो अभी जहाँ हमने कैंप करना है वहाँ पे टोटल 3 लोग आ चुके हैं कैंपिंग करने, हम अकेले नहीं थे आज। हमने सोचा था कि हम अकेले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी अभी हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे सनसेट का अच्छा व्यू आता है, हम जहाँ पे कैंप करेंगे वहाँ से सनराइज़ का अच्छा व्यू आता है, लेकिन अभी आपको सनसेट दिखाते हैं। हम अभी टेंट लगाने लगे हैं, पता हम इन दोनों को नहीं है कि टेंट लगता कैसे है, ना उसके साथ कोई यूज़र मैनुअल आया है, बस नेट पे यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए हमने और उसको देख के कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही अनाड़ी हम। भाई जैसे कि आपने देख लिया कि टेंट ढंग से तो लग नहीं रहा था, हमने 4 बंदे बुलाए टेंट लगाने के लिए, बहुत ही ना एम्बेरसिंग सीन था। अभी भी वो सामने है तो अच्छा भी नहीं लग रहा उनके साथ तो बैठने के लिए, लेकिन खैर चलो होता है। इतनी एम्बेरसमेंट मतलब लेवल हो गया। खैर उसके बाद ये एम्बेरसमेंट तब ख़त्म हुई जब लगाया हामिद भाई ने गिटार से माहौल। Thank you.
भाई रात हमने टेंट में गुजार ली है, नींद मुझे इतनी खास आई नहीं है, लेकिन हामिद भाई के अल्फाज हैं कि भाई मैंने कोई वाह वाह खराटे लिए हैं रात में, तो मैंने पता नहीं है अभी तक, वीडियो में रिकॉर्ड भी नहीं है तो इसलिए पता भी नहीं है। खैर तो पीछे जो है ना मेरे सनराइज़ हो रहा है, और ये जो जगह है ना मतलब सारी जो मेहनत है ना इधर पहुँचने की वो इस चीज़ के लिए है। सही है, तो थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पे और सनराइज़ इन्जॉय करेंगे, अपने आप को रिफ़्रेश करेंगे, और फिर उसके बाद वापस नीचे और आज का व्लॉग फिर वहीं ख़त्म करेंगे। नीचे आके व्लॉग ख़त्म करना था लेकिन थका हुआ इतना था कि भूल गया। आज जा रहे हैं एक नए स्पॉट पे, नई जगह कैंप करने, उसका व्लॉग अगर आपने नहीं मिस करना तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें नीचे। मिलते हैं अगली दफ़ा एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।